छिंदवाड़ा जिले के चौरई नगर में कांग्रेसियों ने कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत को लेकर जश्न मनाया। इस मौके पर श्री जोड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर जय जय बजरंगबली के जय घोष के साथ जनसमूह रैली निकाली गई। साथ ही मुख्य चौराहे एवं विधायक कार्यालय के सामने आतिशबाजी कर ढोल के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कर्नाटक जीत की बधाई दी है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कर्नाटक एक झांकी है, मध्य प्रदेश बाकी है, इस तरह के नारे भी बड़े उत्साह के साथ लगाए गए। इस दौरान विधायक चौधरी सुजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी चौरई नेहा सिंह, पर्यवेक्षक राजीव तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश चंद्र पटेल, प्रभारी बैजू वर्मा व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा पदाधिकारियों सहित नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी समस्त संगठन के वरिष्ठ एवं युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे देश के कर्नाटक राज्य में चुनाव की मतगणना थी। इस जो आज मतगणना हुई है, लगभग 135 सीट पर अभी कांग्रेस आगे है। शाम तक और रिजल्ट आ जाएंगे। स्पष्ट है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना है। पूरे देश भर में कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है और जो स्थानीय सरकार थी, उनमें किस तरीके से उन्होंने भ्रामक पूरी देश में वातावरण पैदा किया, किस प्रकार से उन्होंने धार्मिकता फैलाई और लोगों को धर्म के प्रति, समाज के प्रति बांटने का कार्य किया, इसके खिलाफ में आज जो निर्णय आया है वो इसके खिलाफ में आया है। और मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आज कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत प्रदान किया। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्नाटक की जनता को तो इसके लिए मैं बहुत सभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं आगामी 5-6 महीने के बाद जो चुनाव होने हैं, तो ये शुरुआत हो गई है। यहाँ से निश्चित रूप से आगे जितने राज्यों में चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, ये जनता ने अब तय कर दिया है। और हमारी जो भाजपा के थे ट्रस्ट है पूरे देश की जनता, उन्होंने अब अपना निर्णय देना इसके माध्यम से शुरू कर दिया। हमारे चौरई विधानसभा क्षेत्र के भी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा साथी, महिला संगठन, सभी प्रकार के संगठन ने इस कर्नाटक की जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिला करके, पटाखे फोड़ करके अपना उत्साह का प्रदर्शन किया। भारत माता की जय।